बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हर बीमारी हर परेशानी से अल्लाह ताला आप लोगों को सबको दूर रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे और मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी बहुत ही झक्कास वाली रेसिपी है, UAE में बहुत ही मशहूर है और हम लोगों को, मतलब UAE के सभी लोगों को बहुत पसंद है। तो ये मराकिश कीमे के नान है ये। तो देखें कैसे बनाते हैं हम, आप लोग मुझे फॉलो करते जाएं और देखते जाएं। तो सबसे पहले मैंने ये अपने घर के हिसाब से आटा लिया है। अब ये कितना आटा है आपको रिक्वायरमेंट जितनी है आप वो ही ले लें। ये जिससे रोटी बनाते हैं वो है, ये मैदा नहीं है ये। अच्छा, इसके अंदर ये आटे की मुनासिबत से अगर एक आटे का कप लेते हैं हम, तो उसमें हाफ टी स्पून शुगर का डालते हैं, सही है। तो मेरे पास ये कम से कम ये चार है, ये चार कप से भी ज़्यादा है ये। तो मैंने ये एक टीस्पून शुगर का लिया है और ये दूसरा टीस्पून नहीं, ये टेबलस्पून है, दो टेबलस्पून मैंने शुगर के लिए हैं और हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है। ये इस डालूंगी मैं 1.5 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून डाला मैंने इसमें, ये वॉर्म वाटर है ये 1 टेबलस्पून और ये हाफ टेबल स्पून। अच्छा, इसी में अगर हमें चीनी डाल दूंगी ना, ये थोड़ी सी इसमें से उठा के इसमें डाल दूंगी तो ये जल्दी से इम्प्रूव हो जाएगा ये। और इसी में मैं ये देखें ऑयल कितना है, ये कम से कम 3 टेबल स्पून होगा, ये बस इतना डालना है ये। अच्छा, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ चीनी को और ये नमक को। अच्छा, हाथ मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं और मैं आपको हर रेसिपी में मुझे बताना पड़ता है कि ग्लव्स पहन के नहीं कर सकते, मैं आटा नहीं गूंथ सकते ग्लव्स पहन के। आप लोगों को खुद भी पता होगा कि डेली रूटीन में भी ग्लव्स पहन के आटा नहीं गूंथ सकते। चले, तो अब ये मैं डाल देती हूँ सारा, ये सब डाल दूँगी इसी में। ये देखिए, देखें कितना सॉफ्ट है, जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं इसी तरह का आटा ये। तो इसको अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसको मैं अब कम से कम 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जैसे रोटी का आटा रखते हैं। ये 2-3 ड्रॉप्स और डाल दिए मैंने, ये आटा है। अगर मैदा होता, आप मैदे से भी बनाते हैं क्योंकि बाज़ार में जो होती है ना वो मैदे से ही मिलती हैं, आटे से नहीं मिलती वो। अब इसकी फिलिंग के लिए हम कीमे की तैयारी करते हैं, जो आपको हम दिखाते हैं अभी। मनाकिश की रोटी की इसकी फिलिंग बना रहे हैं। तो 1 किलो मैंने कीमा, जो अभी आपके सामने ही मैंने मशीन से निकाला है, ये ऑयल नहीं डालती बिल्कुल भी। ये कीमा जो होता है ना ज़रा अलग मुख्तलिफ़ किस्म से बनता है ये, इसका बिल्कुल जब अभी ये रंग चेंज हो जाएगा यानी कि पानी इसका ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसमें मसाले डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कीमे का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, कुछ नहीं है पानी इसके अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर हम लहसुन अदरक डालेंगे 1-2 और एक मैंने ऑनियन काटी हुई थी, ये बारीक चॉप की हुई थी। एक टमाटर मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया क्योंकि ये फ्रीज़र का टमाटर था, तो मैं टमाटर को ना फ्रीज़र में ही रखती हूँ मैं, ताकि ख़राब नहीं हो जाते, ये फ्रेश के फ्रेश ही रहते हैं। या तो आप प्यूरी बना के रख लें या फिर उसको फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़ करने के बाद ये होता है कि टमाटर अपने जायके को चेंज नहीं करता। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद अब इसके अंदर मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च है, ये कश्मीरी मिर्च है, बल्कि थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी ताकि इसका कलर अच्छा आए। ये 1.5 डाल दिया मैंने इसके अंदर, ये 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाला है, ये गरम मसाला भी 1/2 डाला है, ये 1/2 टीस्पून है, ये सब चीज़ें एक साथ डाल दी मैंने। आखिर में सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून लिया है मैंने। ये आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि इसकी खुशबू जो आती है बहुत अच्छी होती है और ये फ़ायदे के लिए भी बहुत है। इसको मैंने बताया अब ये अपने टिप के अंदर। अच्छा, ये लेमन जूस है, ये मैंने 2 टेबल स्पून लिए लेमन जूस। ये 1 चिकन क्यूब्स लिए जिसको मैं ऐसे चिकन स्टॉक ऐसे इसको
स्प्रेड कर दूँगी इसको जैसे बारीक बारीक, ताकि ये सब जगह मिक्स हो जाइए। अब इसको बुनाई करूँगी और बुनाई करने के बाद आपको इसकी लुक दिखाऊँगी मैं, क्योंकि जब इसका बिल्कुल पानी हमें ड्राई करना है, टमाटरों का, प्याज का, लहसुन अदरक का, ये सब का पानी हमें ड्राई करके फिर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। इसके अंदर देखें कितना ड्राई कर दिया मैंने, ना टमाटर नज़र आ रहे हैं इसके अंदर, ना प्याज नज़र आ रही है, और ये देखें इसका ज़रा सा इसके अंदर पानी नहीं है, और ये मैंने बग़ैर ऑयल के बनाया है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ज़रा सी इसमें से हीट नहीं आ रही है। चलें कितना अच्छा राइस हुआ है, तो ये देखें आप, ठीक है, आप लोगों को पता चला है ना आटा है ये, मैदा नहीं है। ओवन को हमने प्री हीट कर दिया है और इसको अब हम बाहर निकालते हैं, इसको थोड़ी सी डस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसके बनाने के बाद फिर मैं दूसरे दोनों तरीके से बताती हूँ आपको, आज चूल्हे के भी बताती हूँ, तवे के ऊपर कैसे बनते हैं, जिसके पास ओवन नहीं है वो इसके ऊपर बना लेगा आराम से, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। इतने बड़े बड़े बनाने बस। अब आटा है ना ये, तो आराम से बेला जा रहा है ये, इसी से ग्रीस कर लूँगी मैं ब्रश से, जिसको मैंने प्री हीट कर लिया यहाँ पे। मैं दूसरा भी डाल देती हूँ, इसके ऊपर चीज़ डाल दी, इसी पे कच्ची रोटी पे डालते हैं ये सब कुछ, और मैं इसके बाद में आपको तवे पे करना भी सिखाती हूँ, भी बताती हूँ। इसको स्प्रेड कर देंगे चीज़ को, अगर नहीं है आपके पास चीज़ नहीं है, ये खाली एक टेस्ट के लिए होता है, ये कि इससे टेस्ट जो होता है बहुत इनहेंस हो जाता है और बच्चों को पसंद बहुत ही है। और कीमत ना टेस्टी बना है ये, देखें ज़रा सा भी इसके अंदर पानी नहीं है, और दूसरा क्या बात है इसके अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसके अंदर टमाटर वगैरह प्याज वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल सेम टू सेम यही होता है मनाकिश, बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसको सहरी में, इफ्तारी में, इसके ऊपर हल्की हल्की सी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, पिज़्ज़ा नहीं बनाना हमको, तो इसके ऊपर हल्की हल्की सी डालेंगे, क्योंकि हमने नीचे इसके डाली हुई है, ये मोज़रेला डालेंगे, बिल्कुल लाइट सी डालेंगे, और ये ना स्प्रिंकल कर देंगे तो इसका मज़ा ये बस। अब इसको मैं ओवन में रखने जा रही हूँ और फिर मैं आपको तवे पे बताती हूँ, बस तवे के लिए बना रही हूँ ना मैं, तवे पे भी दिखा देती हूँ ना आप लोगों को, ओवन की तो बहुत ईजी से बन गई ना, तो आप तवे पे भी बता देती हूँ कि किस तरह बनती है तवे पे मनाकिश। ये देखें इतना बनाए, अपने बच्चे खाएंगे इसलिए आराम से कीमा डालें इसके अंदर, कंजूसी नहीं करें बिल्कुल भी, क्योंकि ये हम बाज़ार से नहीं ख़रीद रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए। इसके ऊपर अब थोड़ा सा स्प्रिंकल इसका कर दें, हल्का सा, बिल्कुल मामूली सा, और इसके अंदर अब हम हल्का सा ये ऑयल डालेंगे, बस इतना सा मामूली सा ऑयल, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ इसलिए कि चिपके नहीं बस। और इसको हमने ऐसे उठाया आराम से और इसको कवर कर दिया, क्योंकि इसको मेल्ट होना है ना अभी ऊपर से। ये देखें ओवन की बन के रेडी हो गई, ये देखें सेम टू सेम ऐसी मनाकिश होती है, ओवन वाली मनाकिश देख लेंगे कितनी सॉफ्ट है, ये देखें ये सॉफ्ट है सब। अब मैं आपको तवे वाली भी दिखा देती हूँ, ये देखें तवे वाली भी हो गई, इसलिए अभी मैं ये हो गई, अभी मैं इसको निकाल देती हूँ।
ये बड़ा बनाएं, अगर आपका दिल चाहता है बड़ा बनाएं बड़ा बनाएं, छोटा बनाना है तो छोटा बनाएं। अच्छा तवे वाला मैंने दिखा दिया आप लोगों को, अब मैं तवे पे भी बना रही हूँ, इसमें भी बना रही हूँ, क्योंकि माशाल्लाह मेरे घर में बहुत सारे ज़रूरत है अभी, तो मैं दो दो बनाती जा रही हूँ और देती जा रही हूँ सबको। तो आप लोग बताएं, आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि किस तरह के लगे, और ज़बरदस्त मनाकिश बने हैं। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और जो रेगुलर देख रहे हैं उम्मीद है कि वो सब्सक्राइब करने के बाद शेयर भी कर लें। और आप लोगों को अल्लाह अपनी हिफ्ज अमान में रखे, और मेरी दुआएं सबके साथ हैं, अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़। ऐसा लग रहा है मम्मा की ट्रेन छूट रही है।